मुजफ्फरपुर में साला और बहनोई के बीच खूनी झड़प, जमीन को लेकर दोनों तरफ से की गई चाकूबाजी, झड़प में 6 लोग घायल। DRI ने मुजफ्फरपुर से जब्त किया 70 लाख का गांजा। ट्रक के स्टेपनी टायर और ड्राइवर केबिन के ऊपर था छिपाया। एजेंट और चालक मौके से गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने बैग छीनकर भाग रहे दो चोरों को दबोचा। ऑटो सवार महिला से की थी छिनतई, लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, पुलिस को सौंपा। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण डॉक्टर को मारी गोली। दो गोली पीठ के समीप लगने से हुए गंभीर रूप से घायल। घर से 100 मीटर पहले हुई वारदात। सपा भाजपा 16 मई को करेगी केंद्र राज्य सरकारों का पुतला दहन। मुंगेर में हुई बैठक में निर्णय। 21 को मौन उपवास, 30 को होगा धरना। छपरा में ट्रक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, जख्मी हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती किया गया। ट्रक लेकर ड्राइवर फरार। ALTF ने UP बॉर्डर से 35 शराबियों को पकड़ा। पकड़े गए शराबियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी। 5 दिनों में 1.5 लाख जुर्माना वसूला। खेसारी शिल्पी का नया गाना करंट कमरिया हुआ रिलीज। 3 घंटे के भीतर 4 लाख लोगों ने देखा। लोगों को पसंद आ रही खेसारी श्वेता की केमिस्ट्री। मुतिहारी में फंदे से लड़का मिला। महिला का शव रेप में नाकाम होने पर गांव के युवक पर लगा हत्या का आरोप। घर में सास और ननद की दूसरे कमरे में। बदमाशों ने ट्रेन से यात्री को गिराया। मुजफ्फरपुर में 50 मीटर दूर तक घसटता रहा, लोगों ने बदमाशों को पकड़ा। पटना में चोर को लोगों ने घर में रंगे हाथ पकड़ा। हाथ पैर बांध कर पहले जमकर पीटा, फिर पुलिस को सौंपा। रुपया और मोबाइल बरामद। एक तरफा प्यार में शादी से पहले युवती पर एसिड अटैक। गोपालगंज में घर में घुसकर फेंका तेजाब। 9 जून को थी शादी। BPSC पेपर लीक पर CM नीतीश का भड़का गुस्सा, कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मधेपुरा में SHO बना खलियान, जा रही लोगों की जान। आधे लेन पर किसान मक्के को बिछाकर सुखाते हैं। प्रशासन अब सब देखकर भी निश्चिंत। मुंगेर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 26 कारतूस बरामद। लूट के 20 से अधिक मामले में आरोपित। सिवान में युवक को चाकू गोंद किया घायल। मोबाइल का कवर खरीदने गया था युवक, पीड़ित बोला नहीं थी कोई आपसी रंजिश। सिवान में रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल रेफर। छपरा में ताला काट मोटर पार्ट्स की दुकान में चोरी। 2 लाख से ज्यादा का सामान ले गए चोर। काउंटर में रखे 15,000 कैश भी ले उड़े। जमुई के सदर अस्पताल में धूल फांक रहा डीप फ्रीजर अज्ञात। शव रखने के लिए 2 साल से मंगाया गया, अभी तक नहीं शुरू हुआ उपयोग। जमुई में 7 लीटर देशी शराब के साथ 6 गिरफ्तार। पीने पिलाने का चल रहा था दौड़, मौके पर पहुंची पुलिस ने दबोचा। शेखपुरा की प्रसिद्ध डॉक्टर बरखा सोलंकी ने की आत्महत्या। कमरे में पंखे से लटकी मिली लाश। पति से विवाद के बाद सुसाइड की आशंका। जिला जूनियर डिवीजन फुटबॉल लीग में पटना वॉरियर्स रहे चैंपियन। शुक्ला फुटबॉल एकेडमी के 2 खिलाड़ी पाए गए गलत। टीम फाइनल जीत के भी बनी उपविजेता। जनता दरबार पर भरोसा नहीं, एक फरियादी चला गया। विपक्षी नेता तेजस्वी आवास पर हाथ पोस्टर था, मुख्यमंत्री जी आपका जनता दरबार फेल है। मुंगेर में फिर तमंचे पर डिस्को करते दिखे युवक, पुलिस को नहीं है घटना की जानकारी। फेसबुक पर की गई थी रिसेप्शन पार्टी में लाइव स्ट्रीम। BPSC पेपर लीक कांड पर विपक्ष के निशाने पर नीतीश, तेजस्वी, चिराग और सहनी ने पूछा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, जिम्मेदार कौन। शेखपुरा में सड़क हादसे में युवक की मौत। बेकाबू ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, शादी से वापस लौट रहा था घर। भागलपुर में 2 कट्ठा जमीन के लिए पिता पर 5 राउंड फायरिंग। पिता ने कहा दुकान खोल, लगा रहा था झाड़ू तभी 3 साथियों के साथ पहुंचा, चलाई गोली। मोतिहारी में 85 साल की वृद्धा से रेप करने का लगा आरोप। 20 साल के युवक पर लगा आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल में भेजी रिपोर्ट। समस्तीपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत। चचेरे भाई की शादी में जा रहे थे 2 दोस्त की गई जान, एक साथ उठी अर्थी। मुजफ्फरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा, परिजनों में मातम। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।